मैंने सुबह से इनको कॉल लगाया, मैंने कहा यार चल कुछ ये भी एंजॉय कर लिया करें। और सुबह मौसम था बड़ा जबरदस्त, देखना अभी भी हमारे पास बादल बने हुए हैं और सुबह खैर बादल ऐसे भी थोड़े गहरे ही बने हुए थे। तो मैंने इनको खोला, मैंने कहा थोड़ी देर घूम फिर लें और फिर मैं इनको बंद कर दूंगा। लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार कबूतर आज नहीं खुलता, आज मैंने कबूतरों की दे दी कुर्बानी और इनको सारा दिन मैंने बंद रखा सिर्फ इनके लिए, ताकि ये अपना थोड़ा बहुत इंजॉय कर लें, बेचारे घूम फिर लें और मजे कर लें। क्योंकि जो मुर्गियां ना बहुत ज़रा उसके जी होता है कि अंडे वगैरह तब सही देती है मुर्गियां, जब मुर्गियां बंद और फिरती रहें बाहर घूमती फिरती रहें। वैसे थोड़ा इनके ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि ना अंदर बेचारे बंद हो के इनको फिर टांगों का मसला बनना स्टार्ट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट, लास्ट तक देखिए इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ब्रीडिंग वाले कबूतर तो माशाल्लाह जी हमारे सारे यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। और इनको मैं बताऊँ, यहाँ जो मैंने इनकी स्टिक्स लगाई थी ना, वो इनकी मैंने स्टिक्स सारी उतार ली हुई है क्योंकि इनका ये मसला बन गया था कि ये नीचे ही नहीं आ रहे थे। जब उड़ते ऊपर जाकर स्टिक पर जाकर इनमें आराम से बैठ जाना, फिर ये नीचे इधर आ ही नहीं रहते। तो अभी मैंने इनकी स्टिक्स उतारी है ना, अभी ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आज ऐसे नीचे अपनी जगह बनाएंगे खाने में, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल इस जगह पर आ ही नहीं रहते। अगर जब यहाँ नहीं आएंगे तो हमारी ब्रीड कैसे होगा, जो हमने इतना इनके लिए खर्चा किया, ये सारे बनवाई है, वो तो हमारी सारी बेकार ही चली जानी है। बाकी दोस्तों एक और बड़ी जबरदस्त चीज़ है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। और मजे की बात बताऊँ तो मैंने ना खुद दो चार और देखी नहीं, मैंने कहा अभी फिलहाल नहीं देखना, क्योंकि ना जब हम बच्चे देखना स्टार्ट करते हैं तो किसी न किसी बच्चे का लाजमी हमारे पास नुकसान ही हो जाते हैं। तो ये खैर ना मैंने भी नहीं देखे, और आज सुबह जब मैंने देखे तो मैं बड़ा ही हैरान हुआ। और अभी मैं आपको खैर वो भी देखा, तो ये देखे माशाल्लाह, ये देखे ये हमारी डब के बच्चे हैं और देखे माशाल्लाह ये दोनों कितने ही बड़े हो गए हैं। जब मैंने सुबह इनको देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये बड़ी जल्दी अपनी ग्रोथ इस दफ़ा की है। तो खैर एक बार मेरे ख्याल मैं आपको नीचे उतार के ना तो फिर से दिखाता हूँ। ये बच्चा वाइट और ये माशाल्लाह से फुल रेड आई बना है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो आप उस वीडियो में देख रहे थे बिल्कुल छोटे छोटे से लग रहे थे। और देखे माशाल्लाह वो बच्चा तो वो मेरे ख्याल बड़े और ये थोड़ा छोटे है, तो वो पहले निकल होगा ये बाद निकल, थोड़ा सा इनके साइज में फर्क है। लेकिन अलहमदिल्ला बड़े ही यार इनकी आउट क्लास ग्रोथ हमारे पास हो रही है। और अभी रेहान ने आना, क्योंकि ना वो ना रेहान यहाँ से इनको देख नहीं सकता, थोड़े से ऊपर होता है तो रेहान यहाँ ज्यादा पंगेबाजियाँ कर नहीं सकता, नीचे होता है तो रेहान ने पता इनको कितनी दफ़ा पकड़ के देख चुका होता। तो अभी वो आ जाएगा, एक बार उसको दिखाएंगे फिर इनको मैं ऊपर रख दूंगा। देखिए देखिए चल यार इधर आ जाइए, देखिए आप सारे ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, इसके अंदर फिर भी ये जाने का नाम ही नहीं लेंगे। तो मुझे क्या लग रहा है कि मुझे खुद पूरे एक एक पेयर को ना इन खानों के अंदर किस दिन बंद करना पड़ना, तब सारों ने आराम से जाकर अंदर बैठना और अपनी जगह बनानी है। बल्कि ना मैं सोच रहा हूँ कि ये काम तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, इनको मैं जल्दी से एक बार दाना कर लूँ ताकि ये सुकून से बने दाना खा लें। तो मेरे पास पड़े हैं बोर्ड, तो इनको ना वैसे इन्होंने जाना नहीं है, कब से ये सारे इधर ही बैठे हुए, मेरे ख्याल में 8-10 दिन तो हमें हो गए ये बनवाए हुए भी, फिर भी ये अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बेहतर ये है ना इनको मैं करता हूँ दाना, दाना पर सारे खा लें तो फिर इनको ना एक ही खाने बंद करके ना वो आगे से मैं बोर्ड दे दूंगा, ताकि इनको पता चल जाए कि भाई ये खाने हैं, हमने इस खाने के अंदर जाना था। इसके अलावा और कोई हाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुर्गी हमारी ये अलहमदिल्ला अपने अंडे डेली दे रही है, तकरीबन 4 मेरे ख्याल अंडे, शायद 5 इसके मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन इतने हमारे पास है इसके भी अंडे हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी ये हमारे पास कुड़क हो जाएगी और इसको इंशाल्लाह अंडों पर हम बिठा लेंगे। मेरे ख्याल में इसको मैं ज़रा निकाल ही लूँ, क्योंकि ना इसने फिर कबूतरों को नीचे उतरने ही बिल्कुल नहीं देने। चल भाई आ जा, चल तेरा दाना मैंने वहाँ कर लिए, चल अपने केज में शाबाश, देखे ना। अच्छा जी फीमेल भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, चलो भाई भागो। बाकी जो हमारे बच्चे हैं ना यार, इनका मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो बच्चे हैं ना मेरे ख्याल में ये हमें यहाँ से शिफ्ट ही करने पड़ने हैं, क्योंकि जो मेल है ना उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा फीमेल की तरफ। देखो वो लास्ट पे फीमेल बैठी हुई है, साथ मेल बैठे हैं, जो मेल है उसका सारा दिन ना ध्यान होता है बच्चों की तरफ। इधर एक ये पेयर हमारा बना हुआ है और ये जो फीमेल है ना, मैंने आपको बताया था ये नहीं हमारे पास आई थी, और मुझे ख्याल ना इस फीमेल पर बड़ी उम्मीद थी और बड़ा वेट था इस फीमेल के ना मुझे कि यार ना इसको उड़ाकर चेक करना है। तो हुआ क्या, जैसे दिन पहले दिन फीमेल को उड़ाया तो उस दिन मुझे पता चला इसको ना वो तुंद का मसला है। तो जो खैर कबूतरों को शौक रखते हैं उनको समझ आ रही होगी कि तुंद किस कहते हैं, मतलब जब कबूतर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वो ना कलाबाजी लेना स्टार्ट कर जाता है, कबूतर से उड़ा ही नहीं जाता। तो इस बेचारी को वही मसला था। इंसानों को ना एक ही खाने में हम शिफ्ट कर लेंगे, दो ये सांस मैंने इसलिए छोड़ दी ताकि जो नीचे फीमेल बैठी है वो हमारी
तंग ना हो जाए। तो बस अभी वेट सिर्फ रियान का वो आया, तो फिर क्योंकि ना कबूतरों को पकड़ने और पकड़ के शिफ्ट करने, या देख तो अगर मैं अकेला कर लिया तो फिर मैं अकेले ही करके शिफ्ट कर दूंगा, अगर नहीं तो रियान आया तो फिर इस तरह मुझे आसानी थोड़ी हो जाएगी। तो टाइम वैसे थोड़ा हो रहा है, शाम अंधेरा होता जा रहा है, देखना ये अभी सूरज भी गुरूब होता जा रहा है, तो ऐसा ना इनमें से कोई कबूतर उड़ ही ना जाए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, उससे पहले ये इनको मैं कर लूँ जरा बांध, पानी वगैरह इनके अंदर रखने, अंदर रख के दान अंदर कर लेते हैं, इन तक क्या है ना कि यहाँ रिहान भी आ जाएगा तो फिर इनको मैं आराम सुकून से जरा बंद कर लूँगा। दो बंदों का काम है, एक मैं कर लूँगा लेकिन थोड़ी मुझे मुश्किल होगी, रिहान आ गया तो फिर ये कि हमारे दो बंदों से ये हमारा काम बड़ा सुकून से साथ हो जाएगा। तो उससे पहले इनको शिफ्ट करना है और इनको बंद करना, तो इनको बंद कर लूँ। देखें अभी कुछ खुद बाहर आए हैं फिर अंदर चले गए हैं, तो बेहतर ये है कि इन सारों को बंद कर लें। ये बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं तो इनमें से एक भी उड़ गया तो काम हो जाना है बड़ा ही खराब। आ जा यार रियान, आ जा तेरा वेट कर करके, आ जल्दी करा जा। नहीं बैड न्यूज नहीं है यार, एक काम करना, ओ कबूतर ओ देख रहे कबूतर, आराम से आराम से आराम से, एक काम करना था कब से मैं तेरा वेट किए जा रहा हूँ, और एक चीज भी तुझे दिखानी थी मैंने। क्या? नहीं अच्छी न्यूज है, परेशान नहीं हो, वो डांस के बच्चे मेरे ख्याल तुमने देखे हैं, देख लिए थे, तू वहाँ भी पहुँच गए। अच्छा मैं अभी पहले बता रहा था कि यार ना मैं ना बच्चे नीचे उतारे देखने के लिए, फिर मैंने बच्चे ऊपर रख दिए, मैंने कहा यार नहीं मैं रियान को दिखाऊंगा कि रियान शायद ना देखे, तू भाई पूरी फिल्म है, तू भी ऊपर पहुँच गया। ये देख रहे मैं अपने से बड़ा कह रहा था कि नहीं यार रिहान है, मैंने ऊपर रख दिए हैं, तो रिहान बेचारे ने देखे नहीं होंगे, रिहान पूरी पूरी फिल्म है, रिहान ने भी सारे देख लिए। अच्छा हाँ। एक तो बच्चे अब नीचे देख ले, फिर बच्चों को रखना मैंने ऊपर। हाँ बच्चे को लग रहा है, किसको लग रहे? नहीं भाई वो आराम से बैठो गए, चिल मार रहा है, चिल। अच्छा आ जा, और एक ये देख, ये मैं पता क्या सोच रहा हूँ, ये अंदर खुद तो जा नहीं रहे हैं, तो मैंने क्या ऐसे करते हैं ना, या कि बोर्ड लगा के जो हमारे के खाने हैं ना हाँ। उसमें एक पेयर शिफ्ट करते हैं और इनको अंदर बंद कर देते हैं, ताकि इनको थोड़ा डर तो खत्म हो ना। क्या कुछ अंदर ही है? नहीं नहीं अभी करने हैं, मैं तेरे वेट में था। अच्छा लेकिन उससे पहले ये तो कर ले, उससे पहले ये हम कबूतर बंद कर लेना यार। ये मैंने वैसे खोले, मैंने कहा चल थोड़ी सी हवा लगवा ले। आजा जी वो इधर मोहब्बतें चेक करो भाई, चेक कर रहे तो भाई हमारी मुर्गी बड़े मजे से ना उसके पार के अंदर जना मुंह देख ना बड़े सुकून से अंधेरा करके सोई पड़ी है, तो भाई इनकी मोहब्बत चेक कर रहे कि दोस्तों जो कबूतर जिनको मुझे डर नहीं है ना वो सारे बाग के अंदर चले गए हैं, और जिन तीनों बच्चों को मुझे डर है भाई वो अभी तक ऊपर बैठे हुए हैं, और पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करते हैं। ये तो खैर कट हुए, इसने उतर आना है, जो मसला वो है ना हाँ कौन से और नहीं रेड आई भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं कबूतर बंद कर लूँ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ रेड आई है दोनों, चलो तो देखते हैं। तो आ जाओ यार आ जाओ आ जाओ, तो एक बच्चे ये जाली से चिपक गया, ये देखे ये देखे, तो बस इनके मुझे डर है, और यही आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्यारे बच्चे आ जाओ। अच्छा चेक कर रहे अल्लाह करे, अंडे तो सेव किए हुए हैं, देखो फिर क्या होता है, बच्चे कब तक आते हैं या मुर्गी कब तक कुड़क होती है, कुड़क होनी तभी बच्चे आने, अल्लाह करे हो जाए। तो बाकी चल एक और आ गए, चल भाई तू भी आ जा यार आ जा, तो एक ये रह गया, असल एक यही टेंशन होती है, ये देखे एक ऊपर रह जाए तो यही टेंशन होती है, एक उड़ना स्टार्ट कर देते, आ जा यार। चल मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों दरवाजे खोल लूँ, उस के दरवाजे से जा नहीं रहा, और ये ना इसमें से जा कोशिश कर के अंदर मैं चला जाऊँ, तो हाँ सीधा 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 बस, अब मेरे ख्याल में यहाँ से भी अंदर ये खुद ही चला जाएगा। चल भाई नो, भाई हेलो नो, जो काम करना है ना पहले वो करे, इसको फिर समझा लेना, बड़ी उतरी बातें समझ रहे ना, वो देख रहे ऊपर उसको टेल भी कह रहा है भाई जान छोड़ उसके अंदर छोड़ उसको, चल आ जा। तो बाकी ना अब ठीक है, अभी जो काम करना है ना पहले इंशाल्लाह वो तो कर ले, चल जल्दी कर आ जा। फीमेल इनमें से कोई मैं क्या करूं, ये तीनों को नहीं करना, ये मेल में बता तुम्हें, ये टेडी मेल है, इसके साथ हमने ये वाली फीमेल लगा, ये वाली टेडी है, ये वाली अब ये नया पेयर बनाना, ठीक अच्छा ये जो है ना फीमेल, इसमें लगाया था चूहा नर के साथ पेयर, हाँ नहीं उसका नहीं लगाना,
अच्छा अब इसका लाग निकालना है। ये फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया? ठीक है। और एक अम्बली आ गई, ये गई, आजा आजा इधर आ, ये गई मादी है, ये भी नहीं मादी जाएगी, इसको भी दोस्तों हमने बस ऊपर एंट्री रख दी है और बस ये आखिरी है, तो ये भी ध्यान रख रहे हैं तो सपोर्ट के लिए, ताकि ये बोर्ड वगैरह मेरे गिरे ना। तो बस अभी ये आखिरी मेल है और इसकी फीमेल वैसे नीचे बैठी है। तो अभी रन कितने हो गए? तीन पेयर हमने यहाँ शिफ्ट किए हैं और तीन पेयर हमने यहाँ पर कर दिए। तीन तीन किए भाई, तीन किए मुझे याद है, दो ऊपर नीचे खाने में और एक सबसे लास्ट वाले खाने में है। मैं तो बताता हूँ, इधर आओ बात सुनो। हाँ, और एक यहाँ पर है। हाँ भाई मुझे याद है मैंने कहाँ कहाँ किए। चल आ जा। तो बाकी देखें आपको ना ये आवाजें आ रही है ना कबूतरों के बोलने की जी। भाई फिलहाल कोई हैंड टेप नहीं करने, कबूतर जो है ना डब, एक तुम्हारे स्कूल खुल गए, अब छुट्टियों की खत्म, ना तुम्हारे पास टाइम है और ऐसे वैसे ना परिंदा बीमार हो जाते हैं। तो अभी देख लिए ना, चल इनको ऊपर टोकरी में रखे ना, और मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी रेड है ये वो भी रेड है। चलो मान लेते, तुम्हारी मान लेते यार। दोस्तों ये कोई आइडिया वैसे इतना जबरदस्त है नहीं, क्योंकि कबूतर ऐसे ना बड़े तंग होता है, कबूतरों को बार बार पकड़ना, एक तो मेरी अपनी आदत भी नहीं है और ना मैंने कभी कबूतरों को इतना पकड़ा है, इतना क्या पकड़ ही कभी नहीं मेरी बात आदत। एक बार कबूतर लाया छोड़ दिया, उसके बाद हाँ उसको मैंने पकड़ ही कभी नहीं है। लेकिन चल अल्लाह करेगा, ये एक दो रोज हमें करना पड़ेगा, फिर इनका थोड़ा सा डर खत्म हो जाएगा, खुद पेयर नहीं बना सकते। ये भी गलत बात है। नहीं पेयर बने हुए हैं, उनका मसला ये कि अपने खानों में नहीं जा रहे ना, अपनी जगह नहीं बना रहे। एक बात भी आप गलत कर सकते हैं, अगर वो कबूतर जाएगी उन्हें नीचे ब्रीड करनी है तो आप उनको यार वो फिर जहाँ मर्जी ब्रीड करे ना, अभी एक बार वो अंदर बैठ जाएंगे ना उनको पता चल जाएगा कि जगह को डरने वाली नहीं है, यहाँ पर अंडे हमने उतारने हैं। तो बाकी इंशाल्लाह दो तीन दो रोज करेंगे तो फिर ये खुद ही सारे सेट हो जाएंगे, देखेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों कल आप चाहते हैं कि नई वीडियो एक नए टॉपिक साथ, तब तक इजाजत दीजिए।